स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन, आप देख रहे हैं सजीर भाई गुरु। दोस्तों ये है बजाज कंपनी का 220 सीसी बाइक है, इसका करंट प्रॉब्लम है और दोस्तों प्रॉब्लम हो चुकी है एक वायरिंग का, सीडीआई में बोल्ट नहीं जाता है तो क्या करूँ दोस्तों। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, करंट नहीं आता है तो मल्टीमीटर से पहले मैं बैटरी का वोल्ट आपको दिखाता हूँ। ये 12 वोल्ट आता है, ठीक है, और फिर आपको दिखाता हूँ 12 वोल्ट आता है। अब मैं सीडीआई में मैं देखूँगा जो वोल्ट आता है कि नहीं, ठीक है। सीडीआई पे अगर वोल्ट नहीं आता है तो करंट नहीं देगा, यहाँ वोल्ट ज़रूरत है। तो किस कारण से वोल्ट नहीं आता है मैं आपको दिखाऊँगा। देखो ये मेरा वोल्ट वाला करंट है, ठीक है, मैं यहाँ चेक करता हूँ। ये ग्राउंड है आर्थिंग, उसके बाजार में ये वोल्ट है। अब मैं कनेक्शन जो कर रहा हूँ, हाँ ये वोल्ट है। तो मल्टीमीटर में मैं देखो यहाँ शो नहीं करता है, वोल्ट नहीं आता है। तो दोस्तों वोल्ट नहीं आता है तो इसका मतलब करंट भी नहीं आएगा, तो इसका करंट का प्रॉब्लम है। तो चलो मैं यहाँ वोल्ट डाल देता हूँ इस वायर को लेके, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊँगा इसमें क्या फॉल्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है, किस कारण से वोल्ट नहीं आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ वोल्ट नहीं आए, आने से आपका करंट नहीं आएगा। तो चलो मैंने सॉकेट लगा दिया और ये जो वायर मैंने बाहर किया इसे मैं स्टॉप वोल्ट दूंगा बैटरी से वोल्ट ले लूँगा, ठीक है। तो देखो ये करंट नहीं आ रहा है। अब मैं इस वायर को लगाऊंगा मेन पोल पर, प्लस पर, बैटरी पोल पर। अब देखो देखो अब मैं मारूंगा, फायर आएगा, देखो फायर आ रहा है, एकदम झटका दे रहा है, बाइक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह वोल्ट चेक करते हैं सीडीआई का, सीडीआई एकदम बिल्कुल ठीक है। अगर हम वोल्ट नहीं यहाँ चेक करते तो सीडीआई नया लगा देते और फिर नहीं होता। देखो फिर आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा हैंडल बार स्विच खुला हुआ है, देखो एकदम जोर से झटका आ रहा है और फायरिंग आ रहा है। तो दोस्तों इसमें बीमारी क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो हैंडल बार स्विच है, ठीक है, तो वो ख़राब हो चुकी है। अब मैं यहाँ से वोल्ट ले लूँगा, लॉकडाउन में अभी हैंडल बार स्विच नहीं मिलता है तो ब्रेक स्विच का जो वोल्ट है मैं वहाँ से वोल्ट ले लूँगा 12 वोल्ट और मैं यहाँ लगा दूंगा, बस मेरा लाइन चालू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बंद नहीं होगा बाइक, जो हैंडल बार स्विच है रेड वाला स्विच से बंद नहीं होगा, लेकिन मेरा काम चलेगा, बाइक स्टार्ट हो जाएगा और इग्निशन का स्विच जो है वो बंद करेंगे, बंद वहाँ से बंद करेंगे, ठीक है। ये इग्निशन ऑन किया और ये देखो मैं सेल मारूंगा, ये मेरा इग्निशन का ऑन करने के बाद हैंडल बार खुला है क्योंकि हैंडल बार स्विच ख़राब हो चुके हैं, मैंने फिट किया। अब मैं स्टार्ट मारूंगा, देखो एकदम बिल्कुल बाइक स्टार्ट हो गया और चलता है। तो दोस्तों यहाँ स्टॉप होल्ड देने से क्या होता है, हैंडल बार का जो रेड स्विच है वहाँ से बंद नहीं होगा और बाइक मेन स्विच से बंद करना पड़ेगा। तो ये वायर मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ, अब स्टार्ट नहीं लेगा, देखो देखो ऑन किया और स्टार्ट नहीं ले रहा है, नहीं हो रहा है, देखो नहीं हो रहा है। अब मैं इस वायर को लगा दूंगा, अब स्टार्ट हो जाएगा, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो हैंडल बार स्विच मुझे अभी मार्केट में नहीं मिला इसीलिए किया, वरना हैंडल बार स्विच लगाने से हो जाता। दोस्तों ये जो हैंडल बार का स्विच है ये ख़राब हो चुकी है और इसका कारण सी डी आई पे वोल्ट नहीं जाता, इसीलिए मैंने ये स्टॉप वायर लगा के वोल्ट दे दिया और बाद में जब सैंडल वार स्विच आएगा मैं इसे चेंज कर दूंगा। तो ठीक है इसी तरह काम करते हैं दोस्तों, वहाँ ज़रूरत नहीं था स्टॉप वोल्ट देने का, तो इसी तरह काम करते हैं दोस्तों। ये पूरा वायर मुझे चेक करना है और बस फिट कर देना है और हैंडल वार स्विच को मैं बाद में चेंज कर दूंगा और इस वायर को टान के फेल दूंगा, बस इसका वायर ठीक हो जाएगा।
तो इसी तरह काम करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटिव वीडियो लाते रहता हूँ और दिखाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।